हाय फ्रेंड्स, दिस इज केट्स शो। इस संडे का वीडियो का टाइटल है बी यूनिक बी डिफरेंट। हाँ दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो खुदा ने इस दुनिया में कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग बींग हो या नॉन लिविंग बींग हो, हर एक चीज को बिल्कुल अलग बनाया है, राइट? ही हैज मेड इट डिफरेंटली। हर एक में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर है, चाहे वो ट्विंस क्यों ना हो, ट्विंस में भी देखो कोई ना कोई यूनिक फीचर होगा, राइट? तो जब ऐसा है तो हम इंसानों को भी इसी तरह अलग बनाया गया है, लेकिन फिर भी इंसान किसी न किसी को फॉलो करता है, फिर भी इंसान किसी के जैसे बनना चाहता है, तो क्यों ऐसा? और दिस इज द रीजन ही फेल्स, और दैट फेलियर उसको डिप्रेशन में ले जाता है, राइट? तो वर्ल्ड एनालिसिस देखें तो वर्ल्ड में सिर्फ 1% लोग सक्सेसफुल हैं, ओनली 1% वर्ल्ड के लोग सक्सेसफुल हैं। और क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ देम आर यूनिक, दे आर हैविंग सम डिफरेंट स्टाइल, देयर ओन स्टाइल, एंड दैट्स द रीजन दे आर सक्सेसफुल, दैट्स द रीजन दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यू एंड मी। तो इससे ये पता चलता है कि हमको यूनिक बनना है, हमको कुछ डिफरेंट करना है, हमें आइडियाज फॉलो करना है, इंसान को नहीं। ओके दोस्तों, तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट सो दैट यू गेट मोटिवेटेड एंड यू अचीव योर गोल एंड यू ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल लाइक दैट 1% पीपल। ओके, तो प्लीज कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगर बेल आइकन आपने अभी तक नहीं प्रेस किया तो प्लीज प्रेस करो सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग अवर नेक्स्ट वीडियो अपडेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम शुरू करते हैं बॉलीवुड की दुनिया से, राइट? पृथ्वीराज कपूर, उसके बाद राज कपूर, उसके बाद राजेंद्र कुमार, उसके बाद राजकुमार, उसके बाद राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, फिर राजेश खन्ना, फिर अमिताभ बच्चन। कैसे? अगर आप ये देखो ना, इन लोगों में से किसी का भी स्टाइल सेम नहीं है। एवरीवन ट्राइड इन इट्स ओन वे। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ इन्हें चंद हीरो लोगों ने ट्राई किया था फिल्मी दुनिया? नहीं, ट्राई तो बहुत लोगों ने किया था, एक्टिंग तो बहुत लोगों ने किया, पिक्चर तो बहुत सारों का आया, फिर भी ये जो सुपरस्टार बने हैं ये वही लोग बने हैं क्योंकि उनका स्टाइल यूनिक था। यस, यू नीड टू बी यूनिक, राइट? अगर आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अगर आप किसी के जैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आज तक बॉलीवुड में टिका नहीं है। अगर आप इसी तरह यही कंपटीशन अगर हम क्रिकेट की दुनिया में देखें तो आप देखो, जब सुनील गावस्कर खेल रहे थे तब लोग बोलते थे वो हो इसके जैसा क्रिकेटर कोई नहीं है, उसके बाद देखो तो वेंगसरकर, बोले इनके जैसा परफेक्ट खिलाड़ी कोई नहीं मिलेगा, और उसके बाद आए मांजरेकर तो बोले इनके जैसा बुकी स्टाइल कोई नहीं खेल सकता है, फिर उसके बाद आए सचिन तेंदुलकर, उनको तो सीधा खुदा बना दिया गया, भगवान बना दिया गया क्रिकेट का, राइट? क्योंकि उन्होंने सबने सोचा कि इसके बाद क्रिकेट कुछ है ही नहीं, जो भी है इनसे ही क्रिकेट है। फिर उसके बाद देखो तो एमएस धोनी आए, धोनी का स्टाइल अलग निकला और लोग धोनी की तारीफ करने लगे। उसके बाद धोनी के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब इंडिया को कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं मिलेगा, फिर देखो तो विराट कोहली आ गए, अब विराट कोहली की जय जयकार हो रही है। That's right, right? आपको क्या लगता है ये 138 करोड़ में से सिर्फ इन लोगों ने क्रिकेट खेल रहे थे, गली गली में इंडिया में क्रिकेट खेला जाता है, तो फिर क्यों ये लोग ही सक्सेसफुल हुए हैं, क्यों बाकी सब नहीं हुए? क्योंकि दे स्टिक टू देयर ओन स्टाइल। मेहनत तो सब करते हैं, राइट? टैलेंट तो सब में है, लेकिन आपको अपना स्टाइल पकड़ कर रखना है। यस, सो इफ यू वॉन्ट टू गेट रिकॉग्नाइज, इफ यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, जस्ट फॉलो द फ्यू थिंग्स, राइट? सबसे पहला है, जैसे मैंने कहा, भगवान ने सबको यूनिक बनाया, सब में एक यूनिक फीचर दिया है, आपको उस यूनिक फीचर को डिस्कवर करना है। तो ट्राई टू फाइंड आउट योर यूनिक फीचर, कुछ ना कुछ होगा आप में, राइट? आप देखो मेरे में, मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैंने देखा कि मेरे में, मैं ना हाइट से अच्छा हूं, ना कलर से अच्छा हूं, तो ना दे, राइट? तो फिर मेरे में है क्या, क्या किया भगवान ने, क्या दिया है? फिर मुझे पता चला, राइट, मैंने आइडेंटिफाई किया, आई कैन स्पीक, मैं बात कर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह बात कर सकता हूँ, मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं स्पीच कर सकता हूँ। बस ये जरूरी है, यू नीड टू आइडेंटिफाई, कीप ऑन ग्रूमिंग, उसको शाइन करने की कोशिश करो। मेहनत बहुत लगता है, फेलियर्स बहुत आते हैं, लेकिन आपको उस अपने स्टाइल को पकड़ कर रखना है, आप अपने फीचर को पकड़ कर रखना है, आप अपने यूनिक फीचर को पकड़ कर रखना है और उसको शाइन करने की कोशिश करो।
राइट, तब तक करते रहो जब तक आपको रिकॉग्नाइजेशन ना मिले। लोग हंसने लगे तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हैं, क्योंकि आप जब भी कोई कुछ डिफरेंट करता है तो लोग हंसते हैं, लेकिन एक बार आप सक्सेसफुल हो जाएंगे वही लोग आपको फॉलो करेंगे। राइट, तो ये दुनिया का तरीका है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज, सबसे पहले डिस्कवर करो अपने यूनिक फीचर को, उसके बाद उसका ग्रूमिंग स्टार्ट करो, उसको शाइन करने की कोशिश करो उस पर, और वही करो जो आपको पसंद है, वही करो जो आपको पसंद है, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। किसी को फॉलो करने की कोशिश मत करो, आइडियाज फॉलो करो, कोई इंसान को मत फॉलो करो। राइट, फॉलो द आइडिया नॉट द पर्सन। राइट, देन जस्ट कीप ऑन गोइंग टिल यू अचीव योर गोल। दैट्स इट। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप भी वो 1% में इंक्लूड हो जाओगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट संडे, हैव अ नाइस डे।